यार आपने वो बचपन में वाई वाई नूडल्स खाई है? आई मीन बचपन में क्या कभी भी वाई वाई नूडल्स खाई है? मैं जब छोटा था ना तब भाई मैं वो कार्टून नेटवर्क देखता था और उसमें वाई वाई नूडल्स की इतनी ज्यादा ऐड आती थी कि मेरे अब तक मस्तिष्क के अंदर ना वो वाई वाई नूडल्स की ऐड की ट्यून बजती है। वो ऐसे होती थी वाई वाई टा 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 टा। भाई साहब मैंने ना बस बचपन में ऐड ही देखी है, कभी आज तक ट्राई नहीं की वाई वाई नूडल्स। बट भाई सिस्टम ये है, कल ना मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे जिसपे की उन्होंने वाई वाई नूडल्स को यूज करते हैं, पता नहीं पिज्जा बनाया था, चाट बनाया था, दो तीन और चीजें बनाई थी, एंड आई वाज लाइक ब्लोन। मैंने कहा अरे भाई ये तो सही लग रही है भाई, ये मैं ट्राई करूंगा। एंड सो आज हम यू नो व्हाट आई एम गोना डू टुडे, बट भाई पहले वाई वाई नूडल्स तो ले आऊं, वो नहीं है मेरे पास, पता नहीं मिलेगी भी या नहीं। वैसे लगा नहीं था भाई ये वाई वाई नूडल्स मिलेंगी मुझे, बट भाई फाइनली मिल गई। गाइस लुक एट दिस, यार ये तो वो मैगी नूडल पे मसाला मारा हुआ ऐसा लग रहा है। ऐसी खा के देखूं इसे, गाइज लुक एट दिस, मतलब ये 12 रुपए की नूडल है और इसके अंदर भाई कितना कुछ दिया है इन्होंने। वाओ दिस इज द चिली पाउडर और ये है कुछ अनियन फ्लेवर, भाई ये क्या है? वैसे दूर से तो मुझे घी लग रहा था, और ये है इसकी सीजनिंग, और यार वो भेल पूड़ी वगैरह और जो पिज्जा विज्जा हमने बाय बाय के देखे थे वो मैं बाद में खाऊंगा, पहले यार नॉर्मल नूडल ट्राई करने तो मुझे। भाई द फ्रेग्रेंस इज सो मसालेदार, ट्राई करें यार कितनी बढ़िया मसालेदार फियर सी नूडल लग रही है, आई कांट बिलीव यार ये 12 रुपए की है भाई। और मैं तुम्हें बता दूं खाने से पहले कि दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय वाई वाई, मतलब ये चीजें पहले क्लियर कर दी जाए ना तो अच्छा होता है, इसलिए मैंने सोचा कर देता हूं। नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल भाई, दिस इज समथिंग यूनिक। अब मतलब तुम मुझसे मुंह पे सवाल पूछोगे ना कि भाई ये बता ये मैगी से अच्छी है या नहीं, तो भाई यही मैं बोलूंगा कि मैगी का फ्लेवर एकदम डिफरेंट है इसके फ्लेवर से, और इसके अंदर वो जो मैंने बोला था ना जो घी है दैट वाज अनियन पेस्ट और अनियन का फ्लेवर आ रहा है भाई इसमें बहुत सही। सच बात बताऊं ये अभी तो मैंने पका दिया है, बट जो मैंने कच्ची खाई थी ना वाई वाई नूडल, ओहो यार क्या बम लग रही थी वो भाई, उसके ऊपर जो मसाला था ना जो रॉ नूडल के साथ वो मसाला, ओ बढ़िया लग रहा था यार। मतलब तुम कभी ट्राई करो ना तो पहले एक चक मार के देखना, शर्त लगा रहा हूं तो पूरी नूडल बिना पकाए खा जाओगे। ज्यादा स्पाइसी दिख रही होगी बट है नहीं, नॉर्मल नॉर्मल है। भाई स्वाद तो आ गया सही में, आई मीन फॉर मी इट वॉज सॉलिड 7/10। यार जो मैंने रेसिपियां देखी थी ना इस नूडल के साथ भाई फ्लेवर बढ़िया आने वाला है, आज तो भाई मजे आने वाले हैं। अब मुझे बताओ क्या खाओगे, मतलब थोड़ी देर में खाएंगे, बट हाउ अबाउट वाई वाई भेल चाट? यार आई एम नॉट किडिंग, बट जो चीज़ें मैं अभी बनाने वाला हूँ ना वो एक्चुअली में एक डिश है, मैं कोई ऐसे ही फट्टे नहीं मार रहा हूँ। सड़ाको वाई वाई सा डी को कुछ तो ऐसे ही है कहते हैं भाई, नेपलिस डिश है, एंड आई शो यू हाउ दिस इज मेड। वाइवा सड़ी को बनाना बहुत आसान है, इस पैकेट में से ये सारी सीजनिंग निकालो, इसको करो बंद एंड रन।
क्रश नूडल्स को करो भाई इस बाउल के अंदर खाली, इसके अंदर डालो थोड़ा सा कैप्सिकम, आई मीन ये तो ज्यादा ही थोड़ा हो गया, थोड़ा और डालते हैं। वेट, ओके, सम टमाटर, भाई प्याज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गए भाई प्याज। अब क्या मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, नींबू। वाओ यार, वाई वाई नूडल्स की बेस्ट चीज पता है क्या है, इनकी जो नूडल्स होती है ना, रॉ नूडल्स के ऊपर ही मसाला लगा होता है, बट उससे थोड़ा ना हमारा कुछ होगा, इसमें थोड़ा और मसाला जो है ना वो मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ। वो हो, चिल्ली पाउडर डालूं या रहने दूं, थोड़ा सा डाल लेते हैं यार। अब इसको करेंगे हम मिक्स। ओ भाई लिटरली इसमें से पता है कैसी वाइब आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है ये मैं ना किसी बीच साइड भेल वाले वेंडर से लेके आया हूँ सच में। Look at this guys, wow, oh, this is the best lunch ever, bhai. Not exaggerating, but सच में। अभी ना इसके अंदर मसाला लेवल into 2 हो चुका है, क्योंकि जो इसके अंदर पैकेट वाले मसाले थे ना मैंने वो भी ऐड कर दिए। मैं आपको बता रहा हूँ वो वाले पैकेट मसाले मत ऐड करो, नॉर्मल जो इसकी नूडल का मसाला है ना, ओहो यार वो भी बहुत अमेजिंग है, तुम ना वैसे ही ट्राई कर लेना, मतलब बस नूडल खोलो वो क्रश करो उसके अंदर थोड़ी सी वेजीज डालो थोड़ा सा नींबू डालो एंड जस्ट हैव इट भाई, चाय के साथ बहुत सही लगने वाला है। तीन पैकेट नूडल बचे हैं, आज तो भाई कुकिंग होने वाली है जब तक है जान, सीरियसली जब तक मेरे अंदर स्टैमिना है ना भाई कुछ ना कुछ तो बनाता रहूंगा, प्रोवाइडेड भाई चीजें भी घर पे पड़ी हो, बट अभी तो भाई 2 times थोड़ा रेस्ट करूंगा एंड I'll see you later, okay? यार अब जो मैं बनाने वाला हूँ ना, this is something very interesting. मैंने यही डिश की वीडियो कल देखी थी और मुझे नहीं पता यार कि ये मुझसे बनेगा या नहीं, हल्का सा डिफिकल्ट है एज पर माई स्टैंडर्ड ऑफ कुकिंग, और मैं अभी बनाने वाला हूँ वाई वाई पिज्जा ऑमलेट। वाई वाई पिज्जा ऑमलेट बनाने के लिए ना यू नीड वाई वाई नूडल्स ऑफ कोर्स, देन नूडल्स को करो बॉयल, उन बॉयल नूडल्स के अंदर ना अंडा तोड़ के डालो। ये थोड़ा सा डिस्गस्टिंग होने वाला है, आई टोल्ड यू ना डिस्गस्टिंग मेरे लिए होने वाला है। अब वाई वाई मसाला डाल के सब कुछ अच्छे से मिक्स करो। यार ऑनेस्टली इस मिक्सचर में से ना कुछ अच्छी वाइब मुझे आ नहीं रही, बट अब जो मैं करने वाला हूं ना सारे पैसे उसके हैं, बस वो ठीक से हो जाए फिर तो भाई डिश बन जाएगी। इसको ना मुझे नॉन स्टिकी पैन पे डालना है, ओ एक सेकेंड, इसके ऊपर ना पहले ये डालूंगा ताकि भाई हमारी नूडल स्टिक ना हो, देख रहे हो बेटा आ गई है कुकिंग मुझे थोड़ी थोड़ी। ओके अब चैलेंज ये है कि ना नीचे से ये रिजिड हो चुका है, अब मुझे इसको पलटना है, कैसे पलटूं भाई, ओ यार जैसे हुआ ठीक है, इसका पिज्जा बना दूंगा मैं अब। देन उस मैगी ऑमलेट पे पिज्जा सॉस लगाओ, थोड़ी सी वेजेस डालो एंड लोडेड विद चीज। यार कितना कलरफुल लग रहा है, क्या चीज बनाई है भाई मैंने, ओहो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अब ना इसके ऊपर मैं ये प्लेट रख दूंगा ताकि ये चीज भाई मेल्ट हो जाए, देन वी आर ऑल सेट टू ईट। गाइस अनएक्सपेक्टेडली भाई मुझसे बन गया यार ये, चेक दिस आउट, यार मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है मैंने बना लिया, जल्दी जल्दी एक बाइट तो बनती है, दिस इज गुड, बट मैंने ना जैसे एक्सपेक्ट किया था इसके अंदर ना मसाले थोड़े से ज़्यादा होते तो और मज़ा आ जाता, दैट्स द रीज़न ये ना मैं हारिसा सॉस लेके आया हूँ, अब आएगा मज़ा। यार देखो ऑनेस्टली पेट तो मेरा मस्त वाला भर गया, बट अभी ना मेरे पास एक रेसिपी है जो कि भाई मुझे सच में ट्राई आउट करनी है, एंड इफ दैट वर्क्स आउट ना भाई मज़ा आ जाएगा, आपको मैं दिखाता हूँ भाई व्हाट दैट रेसिपी इज अबाउट, एंड आई होप लिटरली आई एम होपिंग कि यार बस बन जाए मुझसे। अ फ्यू आवर्स लेटर गाइस आई थिंक मेरे वाई वाई पनीर पकौड़े आर रेडी।
ये कुछ ज्यादा ओवर रेडी कर दिया मैंने। कोशिश की थी बट समथिंग वेंट रॉन्ग भाई। पता है मैंने ना पहले वाई वाई बॉल की, फिर पनीर के स्ट्रिप्स काटे और घर में जितने मसाले थे ना उनको एक बाउल में लिया और थोड़ा सा पानी डाला, उनको घोला और पनीर को उस मसाले वाले मिक्सचर में डिप किया और वाई वाई को थोड़ा थोड़ा घुमाया और एयर फ्राई कर दिया और थोड़ी ज़्यादा देर तक एयर फ्राई कर दिया, बिकॉज ऑफ विच दे आर बर्नड भाई। ओके वीडियो में जैसे लग रहे थे वैसे रियलिटी में तो नहीं लग रहे, बिकॉज भाई ठीक है भाई दिन का पहला फेल है। देखो भाई मसालेदार तो है चीज़ बट बहुत ड्राई हो चुका है पनीर, नूडल्स फॉर श्योर जल चुकी हैं, इनका जो फ्लेवर है आ नहीं रहा एंड चलो यार ठीक है ये मेरी गलती है, दिस इज़ ऑन मी। बट ऑनेस्टली यार सॉस वगैरह लगा के ना खाया जा सकता है और भाई आज का दिन वॉज वेरी टायरिंग, मतलब जिस दिन मेरा कुकिंग शो होता है ना उस दिन तो लग जाती है मेरी। मैं तो कहता हूँ मतलब यू गॉट द आइडिया ना, जो अगर तुम ये ट्राई करो ना घर पे तो जो मसाले का बैटर है ना उसको थोड़ा थिक रखना, शायद मैंने यही गलती की है, और फिर एयर फ्रायर में डालो तो मेरी तरह जलाना मत, थोड़ा कम देर के लिए रखना और हीट थोड़ा कम रखना तो ठीक ठाक बन जाएंगे, मेरे को तो ऐसा लगता है। यार देखो ये मैंने ना सिर्फ चार ही बनाए हैं, एक और खा लूँगा, दो तो मैं नहीं खा पाऊँगा, इतने भी अच्छे हैं नहीं है। और अब भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, मतलब तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा हर बार, है ना, खुद से नहीं करोगे। ठीक है मैं जल्दी मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग।